तो जनाब सवाल ये उठता है कि जो हमने नॉन कॉम्बैट का फॉर्म भरा है या फिर जो हम भरने वाले हैं, इन सब से क्या कोई फायदा होगा? क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा? क्या सच में इसमें सिलेक्शन होता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में इसमें सिलेक्शन होता है? ऐसे ऐसे जो रैलीज आती हैं, नॉन कॉम्बैट आते हैं, ग्रुप सी होती हैं, तो पहली बात इस डाउट को मैं क्लियर कर दूँ, जो रैलीज भर्ती होती हैं नॉन कॉम्बैट होती हैं, और ऐसे करके जितनी भी भर्ती आती हैं जो रेगुलर भर्ती से अलग है, इसमें भी सिलेक्शन होता है और हमने ऐसा लाइव प्रूफ देखा है। एक बच्चे को वेट की वजह से भगाया गया था, वापस उसको बुलाया गया और भर्ती की गई, और उसकी कोई पैरवी नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं था, वो हमारे गांव का था। ठीक है, अब इससे बड़ा प्रूफ मैं खुद जानता हूँ और मैं खुद हूँ, ठीक है ना? तो ये अगर आप सोचते हो कि इसको फॉर्म फिलअप करना बेवकूफ़ी है तो आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन में आप फॉर्म किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अगर सुनो, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे तो नॉन कॉम्बैट में अच्छी खासी इस बार भर्ती देखी गई, बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन सेंटर पे इनकी रिक्वायरमेंट है, तो डिपेंड करता है आपने फॉर्म सही तरीके से भरा है कि नहीं, उन्होंने जो चीज़ें मांगी है आपने दिया है कि नहीं। वो मांगते हैं कि तुम स्टैंप दो हमको, और आप कहते हो हम स्टैंप देवे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही भेज देते हो, तो फिर वो कहेंगे तो हम एडमिट कार्ड देवे नहीं करेंगे, काहे अपने घर से थोड़ी हम स्टैंप खरीद के लगाएंगे। वो भी तो वही सवाल करेंगे ना कि आप डीट हो तो हम आपसे भी ज़्यादा डीट है, आपसे जो चीज़ें मांगी गई है तो एटलीस्ट वो चीज़ें दो। अब एक चीज़ और मैटर करता है जनाब, कि एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं। आपने पोस्ट जो किया है वो सही टाइम पे किया है, सही तरीके से किया है, आपसे कहा गया जनरल पोस्ट करना, आप स्पीड पोस्ट कर देते हो, तो फिर नहीं आने वाला। वो खुल के कह रहे हैं ना कि जनरल पोस्ट करो, यहाँ पे कोई भी आपको स्पीड पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपने जिस एड्रेस पे किया है, क्या आपके पोस्ट ऑफिस वाले, क्या आपने जहाँ पे डाकघर में ने पोस्ट को डाला, क्या वो आगे बढ़ाए, डिपेंड करता है। समय 2016 के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जब ऑफलाइन एयरफोर्स की रेगुलर भर्ती में फॉर्म फिलअप होती थी, हमने खूब जी जान लगा के फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, जिस डाकघर के आगे नहीं, छोटा छोटा सा डब्बा टाइप का बना होता था, उस टाइम हमने जाके उसमें डाला, हम सोच रहे थे चला गया होगा, 4 दिन बाद गए, हाथ लगाए उसमें, देख रहे बहुत सारे थी, तो कम से कम 15-20 हमने निकाल लिया, हमको लगा कि उसमें से जाता होगा, हमारा गया है कि नहीं देखते, 15-20 में नहीं मिला, फिर मैंने उसमें से हाथ लगाया तो निकाला, तो मेरा निकल गया उसमें से। ठीक है, ये सवाल है कि वो वहां से भेजे ही नहीं थे। अब इस हमारे मतलब हाथ लगाने का तरीका, डायरेक्टली हाथ लगा के नहीं निकाल पाते, थोड़ा सा अलग तरीका से हमने किया था वो चीज़, तो यहाँ पे नहीं बता सकते। हमको डाउट था कि ये लोग सच में निकालते भी है कि नहीं, भेजते भी है कि नहीं, तो ये चीज़ें मैटर करती है। बहुत से ऐसे छोटी छोटी पोस्ट ऑफिस हैं जहाँ से भेजा ही नहीं जाता, वो लोग रख लेते हैं, ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है। प्रॉपर जाके इंक्वायरी करो, आपने फिल किया हमारा बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, जाके नाक में दम कर दो अपने पोस्ट ऑफिस के आसपास, और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तब तक वेलकम टू योर स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। और देखो, तैयारी तो होते रहेंगी, कहते ना जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे क्या, पार्टियां तो बनती रहेंगी बिगड़ते रहेंगी, देश रहना चाहिए। और हम कहते ना देखो, भर्तियां आती रहेंगी, फॉर्म भराते रहेंगे, तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, है ना? तो तैयारी बढ़िया होने के लिए तो अभी हमारी पेड बैचेस हैं, बट इस पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो ये बच्चे ना जो बच्चे जो है ना, वो थोड़ा सा जिद करके डिस्काउंट ऑफर ले लिया हमसे। हमने देखा चंद्रयान के सफल लैंडिंग पे, हमने एक टेलीग्राम पे मैसेज किया, टेलीग्राम पे जुड़े रहने से यही फायदा होता है कि जो जो डिस्काउंट ऑफर होते हैं टेलीग्राम पे बता देते हैं, फायदा उठा लेते हैं लोग। टेलीग्राम पे सर्च करना एडुजेड स्टडी, ये चैनल मिल जाएगा, 14.2 के सब्सक्राइबर होंगे उसमें। हमने एक मैसेज किया, देखो 23 तारीख को, कि देखो रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनमें से कुछ कुछ पे डिस्काउंट है। जैसे वाई ग्रुप की पेड बैचेज जो कंप्लीट वाली है, उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, 600 की बैच को 500 में दिया हमने। कोस्ट गार्ड की जो फुल बैचेज है 900 वाली, उसको हमने 700 कर दिया। तो कह रहे सर सर ये बेईमानी कर दिया आपने, सुबह उठ के मैसेज आया, हम रात में सो गए थे, हमने देखा नहीं, तो फिर सोचे चलो 24 तारीख को एक दिन का और डिस्काउंट ऑफर देते हैं आपके लिए। आप में से जिसको फायदा उठाना 24 तारीख के रात के 12 बजे तक उठा लो, इसके बाद कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बेईमानी नहीं होना चाहिए। हमारी जो एडुजेड स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर दो, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की कंप्लीट बैचेज 600 में है ना, फिलहाल अगर आप अभी ज्वाइन करते हो आज 24 तारीख को, तो ये आपको 500 रुपये में ज्वाइन कर लोगे। 10-12 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं, GST वगैरह वो चीज़ अलग है, बट मेन प्राइस इसका क्या है, 500 में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो इंग्लिश की हमारी 250 की बैच है, वो अभी 200 रुपीज की आपको मिल जाएगी, ठीक है, इस पर भी 50% का डिस्काउंट है। और वाई ग्रुप का जो फुल मॉक टेस्ट है, वाई ग्रुप का हमारा 120 रुपीज का था, वो जस्ट 100 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप हमारी ये जो कंप्लीट बैचेस लेते हो, इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, इंग्लिश, रागा, वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट, हर चीज मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस। ज्यादा जानकारी के लिए आपको डाउनलोड करो, उसमें सब दिख जाएगा।
फिर भी कुछ समझना है तो व्हाट्सएप करके पूछ लो 7279047787। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम जो फॉर्म फिलअप करेंगे जनाब, क्या हमारा इससे कोई फायदा होगा। देखो सबसे पहले मैं ये कहूँ ना कि हमारा फायदा होगा कि घाटा होगा। देखो इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कब करो मैं बताता हूँ। अगर आपकी एज अगर लास्ट चल रही है, आपको अगर मन नहीं भी है तो आप फॉर्म को फिल करो। जब लास्ट एज चल रही होती है ना तो फिर कंजूसी या फिर लेजनेस नहीं होना चाहिए। हर कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, आपकी एज ऐसे भी एक्सपायर हो रही है और ये अग्निवीर के अंदर भी भर्ती हो रही है, ये भी 4 साल वाली है, तो आप इसको भरो। और ये नॉन कॉम्बैट का है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भर सकते हैं लोग, किसी स्पेसिफिक स्टेट का कोई मेंशन नहीं है। रैली भर्ती अलग है, नॉन कॉम्बैट अलग है। इसको आप भरो और कोशिश करो कि ऐसा भरो कि 1 सितंबर से पहले पहुंच जाए। मैं 2 दिन से वीडियो बना रहा हूं, 1 सितंबर से पहले पहुंच जाए, ठीक है। चलो इस फॉर्म को भरो हर कोई। अगर कोई विद्वान इंसान आगे कमेंट में कहेगा ये सब मत भरो, हमारा नहीं आता है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो भाई देखो एडमिट कार्ड नहीं आया, हो सकता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है ना कि उनको जितनी चाहिए होती ठीक है उतना फुलफिल हो जाता है, तो वो आगे शॉर्ट नहीं करते, शॉर्टलिस्ट नहीं करते। जैसे मान लो उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो अपना वैकेंसीज के अकॉर्डिंग रेशियो देख लेते हैं, किस रेशियो में अपने को कितने बच्चे बुलाने हैं, उतने का एडमिट कार्ड भेजते हैं, बाकी का नहीं भेजते हैं। बाकी किसका लक अच्छा है और किसका नहीं है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपका लक नहीं अच्छा है, वहाँ पे लक पे मैटर करता है ना कि आपने अगर सही टाइम पे भेज दिया, पहले भेज दिया, आपको वो मतलब शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि इस बच्चे का एडमिट कार्ड भेजते हैं, अगर सही तरीके से भेजोगे तब। अगर कभी कभार क्या होता है आपने लास्ट में भी भेजा तो आपका एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी होती है। कब हो सकता है, बहुत सारे बच्चे जो आपसे पहले भेजे, उनमें से बहुत सारे ऐसे जो गड़बड़ एप्लीकेशन भेज रखा है, जो मेन मेन चीज़ चाहिए उन्होंने दिया ही नहीं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। और लास्ट में जिन्होंने या फिर जब भी शुरू या फिर लास्ट में प्रॉपर तरीके से जिन्होंने दे रखा है डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर मैंने बढ़िया से वीडियो बनाई है, उनके एडमिट कार्ड आता है। अब एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा था कि हमारा कहीं का, उन्होंने बताया था कहीं यूपी में कानपुर इलाहाबाद या फिर कहीं पर, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने कमेंट देखा कि हम गए थे मेडिकल हमारा हो गया था या फिर मेडिकल होना था, उन्होंने बाद में बोला कि हम एडमिट कार्ड देंगे लेकिन मेडिकल का नहीं आया। अब आया कि पोस्ट ऑफिस वाले नहीं दिए, क्या चल रहा है क्या नहीं हुआ एग्जैक्टली, ये बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। ऑफलाइन में थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप रिस्क लो, नहीं आएगा 50 रुपया डूबेगा, 60 रुपया डूबेगा, आ जाएगा करियर बन जाएगा, बाकी आगे का डिसीजन आपके हाथ में है। मेरे तरफ से एज अ बड़ा भाई, मेरे तरफ से अगर मेरा कोई भाई होता अपना छोटा तो मैं उसको पटक पटक के मतलब पीट पाट के भरवाता तू भर, ठीक है, अगर उसका लास्ट एज होता तो और भरवाता। अगर मैं यही बोलूँ ना कि आपको टाइम अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम उतना मतलब एग्री नहीं और कम एज है आपका तो ठीक है आप रेगुलर भर्ती पे फॉलो करो, लेकिन आपका लास्ट एज है तो आप जरूर भरो उसको, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप पेड बैचेज वगैरह ले सकते हो, मैंने जैसे कि बताया, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, डिस्काउंट ऑफर 24 तारीख तक ही रहेगा। और इस बैचेज में पढ़ने के बाद तो फिर चाहे वो रैली भर्ती की रिटर्न हो, चाहे आपका ये नॉन कॉम्बैट का रिटर्न हो, वो सब तैयार हो जाएगा इस बैच के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ये बब्बा वीडियो लगा करके शेयर कर देना। अगर कोई कोस्ट गार्ड का बच्चा है तो 900 की बैच 700 में मिल रही है 24 तारीख तक, वो भी ले सकता है। चलो बब्बा।